नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं डिंबर की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी विधायक और पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार की ओर से चुनाव से 6 महीने पहले लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों पर सरकार को घेरा है और इससे जनता के धन का दुरुपयोग करार दिया। करौली जिले में सोमवार से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीना ने मंडरायल के ग्रामीण लॉ गरा पंचायत समिति में शिविर का लाल फीता काट कर शुरुआत की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा स्थानीय विधायक, जिलाध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश और मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस जनाक्रोश महाघेराव में शामिल होंगे। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर कोटा में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, देहात अध्यक्ष मुकुट नागर समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। राजस्थान के 10 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने रविवार शाम 7 बजे अलर्ट जारी कर अगले 3 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है। प्रदेश में बारिश और आंधी के कारण तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आयोजित की गई समझ संसद की प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी 30 अप्रैल से संसद देखने जाएंगे। पहले चरण में करीब 500 विद्यार्थी 30 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली जाएंगे। माफिया अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर में खून के धब्बे और चाकू मिला है। इसके अलावा साड़ी और अन्य कपड़े भी खून से सने हुए मिले। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। प्रयागराज में मेषपाल हत्याकांड की योजना 11 फरवरी को बरेली के केंद्रीय कारागार 2 में बनाई गई थी। यह बात काफी पहले साबित हो चुकी है। अब जेल में अशरफ से मिलने आए असद समेत शूटरों का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर निकाय चुनाव में मतदान के दिन सभी जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिस चरण में जहां जहां मतदान होगा वहां वहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई तो तथा दूसरे चरण में 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी अपने घर में ही घिरती नजर आ रही है। आलूपट्टी में पार्टी के नेता कई नेता बागी बन गए हैं। उनके ताल ठोकने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अंतिम समय मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। पार्टी की कोशिश है कि बागियों को मनाकर भाजपा से सीधा मुकाबला किया जाए। 13 मार्च को एकलपीठ ने सरकार को इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए जो 3 महीने का समय दिया है उसमें एटीआरई को सिलेक्शन पार्ट बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट को सही तरीके से बनाने का जो आदेश दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।